वेरी गुड नून वेलकम टू एग्रीकल्चर रिड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एग्रीकल्चर रिड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चों आपकी क्लास दस मिनट लेट हो गई है क्योंकि यार टेक्निकल एर था एक्चुअली मैं आप लोग के कमेंट देख रही थी या फिर बात करते यार मैं लंच करने नहीं गई हूँ ठीक है मैंने लंच नहीं किया है एक्चुअली वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था मैं दो बजे से पहले ही आ गई थी ठीक है तो कुछ एरर चल रहा था इस वजह से क्लास दस मिनट लेट हो गई है नहीं तो तुम लोग की क्लास के लिए मैं टाइम से पहले आ जाती हूँ ठीक है तो उसकी टेंशन नहीं लो अब हमारा क्लास स्टार्ट होगा ठीक है डोंट वरी तो वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून रश्मि योगेश हाँ आ गई आप बिल्कुल 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 आ गई हूँ मैं ठीक है पुलकित पवन वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून गाई सूरज शेख हां जी हेलो तो, तो चलिए हाँ, चैंपियंस लंच करके आए नहीं आए हैं मैंने तो कर लिया चलो बहुत अच्छी बात है तो चलो बच्चों आज का सेशन हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और साथ ही साथ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए वेरी गुड so, आफ्टरनून दीपेंद्र दीपेंद्र शुक्ला अखिल धवे और वाईटी बाहुबली हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून गाइज वेलकम इन द सेशन हाँ जी ओके okay. तानिया शिवी हंसा नेहा वेरी गुड आफ्टरनून गाइस तो चलिए जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो और बेटा ऐप आप आपको डाउनलोड करना है अगर आपको कुछ क्विजेज सॉल्व करनी है क्वेश्चंस के टाइप्स देखने किस टाइप के क्वेश्चंस आए आते हैं किस तरीके से आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं तो ये सब देखने के लिए बेटा आपको डेली क्विजेस ज्वाइन करना पड़ेगा और ये डेली क्विजेज़ आपको ऐप आप पर ही मिलेगा ठीक है ओके okay, तो चलो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज हमारा रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट दी फंगल इन्फेक्शन तो बेटा कौन सा इनमें से फंगल इन्फेक्शन नहीं है जल्दी से बता दो मेरे बच्चों आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं तो आपको ये देखना है कि कितना कितने आंसर सही आपने किए हैं कितने आंसर गलत आपने किए हैं क्योंकि पूरा वीक हम लोग पूरे वीक जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चंस का रिवीजन है ये सैटरडे को हम हमेशा रिवीजन करते हैं तो आज मैं देखूँगी कि मेरे बच्चों ने कितने आंसर सही किए हैं कितने आंसर उन्होंने गलत किए हैं मैम आज बहुत दिनों बाद हाँ पुलकित का आजकल मैं कुछ दिनों से मैसेज नहीं देख रही थी आई मीन कॉमेंट नहीं देख रही थी पुलकित हम आपको मिस कर रहे थे बेटा ओके साक्षी वेरी गुड आफ्टरनून आज लाइव देखने का मौका मिला है किसको अच्छा आप रिकॉर्डेड देखते थे सूरज शेख रश्मि शिवी पाठक रश्मि ध्रुवे दु, दु, नेहा पुलकित शिखा खुशी आ, साक्षी हंसा सारे बच्चे कह रहे हैं डी आंसर होगा बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी तो ये आप सभी को पता है कि सिंकाइट्रियम हमारा फंगस होता है बेटा सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम ये हमारा पोटैटो कॉज करता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका क्लब रूट इन्फेक्शन कॉज करता है एस्टिलेगो मेडिस हमारा स्मट का इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं बच्चों ये बेसिकली हमारे फंजाइज होते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ सिट्रस ज ट्रांसमिटेड बाय विच वन ऑफ दी फॉलोइंग आपको ये बताना है बेटा कि सिट्रस सिट्रस ग्रीनिंग जो डिजीज है इसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है मेरे बच्चों जल्दी से आंसर बताओ एफर्ट्स करेंगे लीफ ऑपर करेंगे सिट्रसाइट्स करेंगे सिटरस साइला या फिर नन ऑफ दी अब हमको नहीं मिस करती मैम अरे यार जो तुम लोग तो डेली क्लास में आते हो ना जिनको मैं डेली देखती हूँ उनको मिस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक दो दिन नहीं आते तो डेफ़िनेटली मैं सब सा, मुझे सारे बच्चों के नाम याद रहते हैं और जो बच्चे रेगुलर हैं उन सब के नाम तो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं ठीक है अगर तुम लोग दो तीन दिन के लिए गायब हो जाते हो तो मुझे पता चल जाता है वैसे गायब नहीं होना है ठीक है हमें रेगुलरली जिन की क्लास करनी है क्योंकि अगर हमारी एक दिन की भी क्लास छूट जाएगी ना तो मे भी हमारा क्वेश्चन अगर वहां से आ गया तो वो क्वेश्चन भी मिस हो जाएगा ठीक है इसलिए क्लास नहीं छोड़नी है ओके चलो दामिनी पुल के योगेंद्र आकाश शिवी ओके वेरी गुड हंसा साक्षी सिट्रसाइला ओके ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सिट्रसाइला आंसर होगा बिल्कुल बेटा सिट्रस साइला आंसर हो जाएगा तो सिट्रस ग्रीनिंग जो कि एक डिस्ट्रक्टिव डिजीज है सिट्रस की बहुत ही ज्यादा इंफेक्शियस इन्फेक्शियस इन्फेक्शन होता है आ, मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन्फेक्शन होता है सिट्रस का तो बेटा इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का काम करता है मेरे बच्चों सिट्रस साइला

हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी रहोगे मैं तुम्हें पहचान लूंगी है ना बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है हंसा ने चलो आ, ओके बाहुबली का आंसर आया है सी योगेंद्र मौर्य का आंसर आया है राइबोसोम जल्दी से आंसर करो बेटा शिवी पाठक का भी आंसर आ गया है सी ठीक है हंसा का आंसर आया है बी ठीक है सूरज शेख का आंसर आया है सी साक्षी पल्लवी नेहा दामिनी रश्मि हाँ शिवी आपका आंसर मैंने देख लिया बेटा योगेंद्र खुशी रोशनी सिद्धि पुलकेत ओके आकाश मौर्य दीपेंद्र दामिनी वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही बताया राइबोसोम आज सही बताया आंसर सबने है ना तो बेटा देखो बेसिकली हमारा ट्रांसलेट करने का काम या प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है मेरे बच्चों ये काम करते हैं हमारे राइबोसोम राइबोसोम क्या बनाते हैं प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये प्रोटीन हमारी बॉडी को भी बनाते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनल्स को बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शंस को किया करते हैं बैक्टीरिया में भी यही काम कहते हैं राइबोसोम कंफर्म हाँ बेटा बिल्कुल कंफर्म चलो आगे चलते हैं फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों कि फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन का जो फिनोमिना है ये बैक्टीरिया में किसने दिया था ग्रिफिथ ने दिया था टॉटम ने दिया था, था लेडबर्ग ने दिया था या फिर ज़िंडर ने दिया था जल्दी से बताओ तो मेरे बच्चों राइट आंसर क्या होगा हंसा का गलत हो गया अरे बेटा रिवीजन क्लास इसीलिए होती है कि अगर आपको पहले की क्लास में कोई चीज मिस कर दी अगर आपने तो रिवीजन क्लास में वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी ताकि आगे से आप गलत नहीं करो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइव सेशन में नहीं आओ लाइव सेशन में जरूर आना क्योंकि रिवीजन क्लास में तो हम फटाफट क्वेश्चन देख करके आगे आगे भागते रहते हैं है ना और उस क्लास में हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि इसका आंसर ऐसा क्यों है है ना चलो हाँ साक्षी का आंसर आया है डी अखिल दवे का आंसर आया है सी दामिनी खुशी शिवी पाठक निखिल अखिल आकाश दामिनी सिद्धि तानिया ओके ओके साक्षी सारे बच्चे डी आंसर कर रहे हैं हाँ वेरी गुड वेरी गुड पल्लवी सिंह का भी आंसर आया है दिया था बेटा ग्रिफिथ ने दिया था, था किसने दिया था मेरे बच्चे ग्रिफिथ ने दिया था और इसके बाद इसको एवेरी मैक्टे ने क्या किया था प्रूफ भी किया था तो उन्नीस सौ अट्ठाइस में दिया था नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी एट में दिया था उसके बाद कॉन्जुगेशन

जल्दी से बता दो बच्चों राइट आंसर क्या होगा शाबाश बिल्कुल कॉन्जुगेशन ग्रिफित बिल्कुल नहीं मैम कल लोग ऑफलाइन भी सीरियस अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा सीरियसली है ओके ओके, ओके 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 चलो वेरी गुड हाँ बताओ बेटा ट्रांसडक्शन बैक्टीरियो फेज में भी होता है हम ठीक है चलो अब बताओ बेटा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा पिलाई से पिलाई से कॉन्जुगेशन होता है पिलाई से कॉन्जुगेशन होता है जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है ठीक है चलो शाबाश ओके uh, okay. क्या रिपीट करना है बेटा योगेंद्र दामिनी का आंसर आया है ए ठीक है रश्मि का आंसर आया है डी बाहुबली ने भी डी आंसर किया है हंसा uh, का भी आंसर आया है ए ठीक है ट्रांसडक्शन पूछ रहा है बेटा ट्रांसडक्शन पूछ रहा है वो ओके okay, ग्रफित शिवी का आंसर आया प्रिया सिद्धि ए आंसर करें ओके okay, ग्रिफित 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 मेरे बच्चों मैंने क्या बोला फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन ये ट्रांसडक्शन का फिनोमिना पूछ रहा है बच्चे ट्रांसडक्शन का फिनोमिना पूछ रहा है ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था बच्चे ग्रिफिथ ने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन दोनों अलग अलग है अब यहाँ पे तुम लोग मार्क खा गए है ना यहाँ पे तुम लोग मार्क खा गए देखो ट्रांसफॉर्मेशन अब भी मैंने बताया और अब भी तुम लोग भूल गए ये ट्रांसडक्शन है बेटा वो ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा चेंज क्योंकि वहां पर वो याद करो वो याद करो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट चूहे के अंदर उसने क्या किया था स्ट्रेन डाला था एक स्मूथ स्ट्रेन था एक रफ स्ट्रेन था तो उसने जब दोनों स्ट्रेन को एक साथ में डाला हीट किल्ड और दूसरे स्ट्रेन दोनों को उसने एक साथ में डाला तो एक साथ डालने के बाद क्या हुआ किल हो गया माइस वाज किल्ड माइस मर गया तो ये क्या था एक ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे बच्चों एक ये क्या था चेंज था चेंज था और इसी चेंज की, इसी चेंज चेंज की को उसने क्या बोला ट्रांसफॉर्मेशन बोला था गलत कर देते हो तुम लोग रिपीट क्वेश्चन फिर भी गलत कर दिया ना चलो इन दे देखो फिर गलत कर दिया थोड़ा सा ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन आता है दैट इज ओके लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉट गुड है ना वो अच्छी बात नहीं है आप फंस गए तुम लोग यहाँ पर भी फंस गए न हो बिल्कुल चलो आ जाओ आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं जेसी लूथा एंड हिज एस एसोसिएट डेवलप्ड द सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ वीट सीड फॉर द कंट्रोल ऑफ भाई इन्होंने सोलर हीट ट्रीटमेंट किसके लिए दिया था बताइए लूज स्मट ब्लैक स्मट सॉरी ब्लैक रस्ट सीड गॉल और ब्राउन रस्ट बताओ राइट आंसर क्या होगा हां बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट था फिर भी गलत कर दिया बिल्कुल कतई नालायक हो गए ना तुम लोग चलो लूज स्मठ ओके निखिल चौधरी बाहुबली का भी आंसर आया है ए चलो चलो दुखी नहीं हो दुखी नहीं हो चलो मैं नहीं डांट रही हूँ तुम लोग को ओके चलो दुखी नहीं हूँ ओके नेहा का भी आंसर आया है ए सूरज शिवी पाठक सिद्धि लूज स्मार्ट वेरी गुड लीजा ओके पल्लवी योगेंद्र तान्या दामिनी रुचि प्रिया देखो बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब भी आप पढ़ाई करो ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ें हम हमें आती हैं लेकिन हम गलत कर लेते हैं एग्जाम में क्यों हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता उस टाइम पे तो इसलिए जब जहाँ पर हो ना पूरा टाइम और पूरा दिमाग वहीं पर लगा के रखो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों मैं हमेशा क्लास में आप लोगों को हमेशा आ, क्लास में ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब मैं अलग अलग से क्वेश्चन ऑप्शन लेके आती हूँ ना ताकि तुम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो पूरा क्लास में रह सके तुम लोग इधर उधर नहीं भटको फिर भी तुम लोग भटक जाते हो बिल्कुल नालायक है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हो तुम लोग है ना चलो आगे चलते हैं बेटा इसका right answer हो जाएगा में बताया था उन्होंने चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों -like है? इरविनिया माइलोवोरा का एग्रोबैक्टीरियम का इरविनिया क्रोटोवोरा का या फिर का जल्दी से बता दो बच्चा राइट आंसर क्या होगा है ना चलो अब ये गलती नहीं करनी है तुम लोग को ओके चलो आ, आ, आपके हारे अच्छा हाँ बिल्कुल 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 चलो अब जल्दी जल्दी बताओ हाँ अब जल्दी बताओ बेटा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा पटेटो ब्लैक लेग पटेटो ब्लैक लेग ब्लैक लेग पैथोजन कौन सा है बेटा पटेटो ब्लैक लेग का पैथोजन कौन सा है बताओ कौन सा है बेटा बताओ बच्चों जल्दी से बताओ कौन सा है हम इरविनो इरविनिया क्रोटोरा इरविनिया क्रोटोरा हो जाएगा ठीक है तो इरविनिया क्रोटोरा बेसिकली इस इंफेक्शन को कॉज करता है क्लियर इसमें अमाइलोरा गया क्रोटोरा हो होगा चलो आगे चलते हैं पक्सिनिया ट्रुटिकाई कॉज दी रस्ट बाई पक्सिनिया ट्रुटिकाई ये कौन सा इन्फेक्शन कॉज सॉरी पक्सिनिया ट्रुटिकाई का जो इन्फेक्शन है ये ये जो पैथोजन है ये रस्ट का इंफेक्शन कॉज करता है लेकिन ये रस्ट का इन्फेक्शन कैसे किससे कॉज करता है टेलियोस्पोर से यूरडोस्पोर से एसियोस्पोर से या फिर नन ऑफ दी अब मैं आप उत्तराखंड से हूँ हाँ बेटा मैं उत्तराखंड से हूँ ठीक है चलो फटाफट से बताओ मुझे इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा पक्सीनिया ग्रामिस्ट का ये एक पैथोजन है और ये रस्ट का इन्फेक्शन कॉज करता है लेकिन 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 रस्ट का ये इन्फेक्शन अपने स्पोर से करता है और वो कौन से स्पोर होते हैं शाबाश मेरे बच्चों बिल्कुल सही आंसर तुम लोग कर रहे हो मेरी एक आंख तुम्हारे तुम्हारे पास ही है एक आंख तुम्हें देख रही है मेरी है ना एक आंख बोर्ड की तरफ है शाबाश बिल्कुल ज्यादातर बच्चों ने यूरोपोर आंसर किया बिल्कुल सही आंसर किया टेलियोस्पोर ने टेलियोस्पोर बेटा स्मट में बनते हैं स्मट में टेलीस्पोर है इसमें कौन सा होगा इसमें इन्फेक्शियस पार्ट हो जाएगा यूरिडोस्पोर्स स्पोर्स ओके चलो अब आगे चलते हैं बेटा यहाँ पर आप ये स्पोर्ट्स देख सकते हो जो सरफेस पे आपको रस्ट में जो स्पोर्ट दिखते हैं बच्चों दीज आर यूरिडो स्पोर्ट्स हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो बच्चे बी आंसर किए उनका आंसर सही है चलो आगे चलते हैं इन इंडिया येलो वेन मोजैक वायरस वायरल डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन डैश बाई डैश तो भाई पहली बार इंडिया में जो येलो वेन मोजैक वायरल डिजीज है इसको पहली बार कहाँ पर रिपोर्ट करा गया था और किसने किया था चलो फटाफट से बताओ अरे तिरछा नहीं देखती हूँ है कि बच्चे क्या कर रहे हैं ठीक है सीधा ही देखती हूँ तुम लोगों सीधा ही दिखते हो तुम लोग नलायक कहीं के? <laughs> चलो आ, ओके योगेंद्र मौर्य का आंसर आया है बी ठीक है शरद का भी आंसर आया है बी रुचि का आंसर आया है बी ओके दामिनी शिवी पाठक योगेंद्र सूरज रश्मि शरद शिवी दामिनी सिद्धि ओके uh, okay, दीपेंद्र uh, नहीं बेटा अब नहीं लगेगी आप रेगुलर क्लास करोगे तो नहीं लगेगी ठीक है डोंट वरी लीजा आकाश अगर एक दिन करोगे तो लगेगी क्योंकि आपको उसमें कंसेप्ट नहीं बताऊंगे ठीक है और रिविजन क्लास में हम फटाफट -फड़ से क्वेश्चन करते हैं ओके संध्या एम एच कुलकर्णी ओके नेहा न, आकाश मौर्य खुशी दीपेंद्र पापा जी बोलते हैं अच्छा आ, सूरज ओके रोशनी तो ज़्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं बी तो आंसर हो जाएगा बी ठीक है महाराष्ट्र और कुलकर्णी तो बेटा येलो वेन मोजैक वायरल डिजीज जो है ये भिंडी का है और भिंडी का मेजर इन्फेक्शन है ये मैंने आप लोग को क्लास में बताया भी था कि ये भिंडी का मेजर इन्फेक्शन है और इस मेजर इन्फेक्शन को पहली बार महाराष्ट्र में देखा गया था और बच्चों इसके बारे में किसने बताया था कुलकर्णी ने बताया था किसने बताया था बेटा कुलकर्णी ने ठीक है चलिए आगे चलते हैं मार्श स्पॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज ड्यू टू द ऑफ ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिय गन्ने का दलदली धब्बा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है बच्चों बोरोन डेफिशिय डेफिशिएंसी यानी कि बोरोन की कमी के कारण मोलिबडेनम डेफिशिएंसी मोलिबडेनम की कमी के कारण मैगनीज डेफिशिएंसी इसकी कमी के कारण या फिर नन ऑफ दी अबव अब राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बता दो चलो हाँ यस मैम हाँ बेटा बिल्कुल चलो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा फटाफट से और एक बात बताओ तुम लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक क्यों नहीं किया है बताओ जल्दी से मैम इंटरनेट कनेक्शन अच्छा तो बाद में उसे देख लिया करो यूट्यूब पे तो क्लास मिलती है आपको देख लिया करो उसे पर छोड़ा मत करो ओके सिद्धि नेहा खुशी शिवी आशीष दामिनी प्रिया योगेंद्र आकाश हम्म प्रशांता एग्रीकल्चर फैक्ट्स ओके रोशनी ज्यादातर बच्चे सी आंसर कर रहे हैं चलो देख लेते हैं तो right है, आपको ये बताना है कि कुकुम्बर मोजैक वायरल डिजीज जो है ये कौन से रीजन में होती है ट्रॉपिकल में टेम्परेट में या फिर uh, सब ट्रॉपिकल में ऑल ऑफ दीज बताओ बेटा राइट आंसर क्या है राइट आंसर उत्तराखंड से ही पढ़ा है बेटा उत्तराखंड से ही पढ़ा है मैम भूल गया था लाइक करना कर दिया अब चलो शाबाश हाँ कुछ बच्चे भूल जाते हैं तो मैं तुम लोग याद दिलाती रहती हूँ बीच में कि सेशन को लाइक भी कर लो देखो इतनी मेहनत से मैं तुम्हारे लिए इतने सारे क्वेश्चन लेके आती हूँ है ना चलो आज तो वैसे रिविज़न क्या है पर रिविज़न भी तो इंपॉर्टेंट है ना अगर हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे और भूल जाएंगे तो पेपर अच्छा नहीं करके आएंगे है ना चलो योगेंद्र शिवी खुशी आ, सूरज बाहुबली शरद दामिनी ओके 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 रोशनी हंसा आशीष सिद्धि प्रिया लीजा शिवी वेरी गुड वेरी गुड तो ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं इसमें टेम्परेट हो जाएगा मेरे बच्चों ये बच्चोंट की क्रॉप है बेटा ठंडी जगह पर होती है टेम्परेट की क्रॉप है तो डेफिनेटली बीमारी भी तो वही होगी जहां पर उसका होस्ट होगा है ना भाई जहां पर होस्ट होगा वहीं पर तो इन्फेक्शन होगा तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका टेम्परेट ठीक है तो जितने बच्चों ने टेम्परेट आंसर किया उनका आंसर सही है चलो आगे चलते हैं अगले दूसरा भी ये क्वेश्चन आ गया चलो आगे चलते हैं डायरेक्टली हम दो बार आगे ये क्वेश्चन सॉफ्ट रॉट इन एप्पल कॉज ड्यू टू द पैथोजन बेटा सॉफ्ट रॉट जो जनरली हम देखते हैं एप्पल में वो बेसिकली किसकी वजह से होता है पेनिसिलियम फाइटोफोटोरा पेनिसिलियम एक्सपेंशन या एस्पर्जिलस बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा सैटरडे को रिवीजन होता है हाँ जी प्रिया बेटा सैटरडे को रिवीजन होता है मंडे टू फ्राइडे आपकी नॉर्मल क्लासेस होती हैं जिसमें आप बहुत सारे एमसीक्यूज करते हो और सैटरडे को सारे एमसीक्यूज में रिवाइज़ करवाती हूँ ताकि मेरे बच्चों को मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हुए उतने सारे क्वेश्चन रट जाए आपको ठीक है अच्छे से आपको याद हो जाए ताकि किसी भी एग्जाम में आए तो गलत नहीं हो मैम प्रतिभा मैम की क्लास नहीं होती है क्या बेटा होती है पर अभी मैम लीव पर है जब मैम आएंगी तो उसके बाद मैम की क्लास दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी इतना बड़ा सी लिखा योगेंद्र मौर्य ने एक सी भी लिखोगे तो मुझे दिखेगा है ना चलो रुचि दीपेंद्र प्रिया हंसा नेहा पुलकित हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ देहरादून से हूँ सिद्धि शिवी प्रिया आशीष प्रशांत लीजा पल्लवी ओके okay, ओके okay, आकाश आशीष योगेंद्र वेरी गुड वेरी गुड तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन पेनिसिलियम एक्सपेंशन तो बेटा जनरली हम जो रोटिंग देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि एप्पल खराब हो गया है कुछ इस तरीके का रोटिंग हम कभी कभी सेब में यानी कि एप्पल में देखते हैं तो बेटा इसको पेनिसिलियम कॉज करता है और वो क्या करता है पूरी तरीके से इसको खराब कर देता है हाँ लेट ब्लाइट बाई फाइटोफोरा इन्फेस्टांस बिल्कुल ये आलू में होता है ठीक है टमाटर में भी होता है चलो आगे चलते हैं स्टेम रॉट ऑफ राइस इज ड्यू टू विच ऑफ दी फॉलोइंग बेटा स्टेम रॉट का जो इन्फेक्शन है राइस में होता है यानी कि चावल में होता है तो ये किसकी वजह से होता है चावल का तना सड़न रोग किसके कारण होता है फ्यूजेरियम कॉज करेगा बच्चे टोबा वायरस करेगा स्केलरोशियम करेगा या जेंथोमोनास करेगा फटक से आंसर दो क्या होगा हम्म जल्दी से बताओ बेटा आपकी आई पर लोड अच्छा मेरी आईज पे लोड नहीं पड़े इसलिए अरे यार बिल्कुल बिल्कुल नालायक हो तुम लोग मतलब खतरनाक लॉजिक देते हो तुम लोग बिल्कुल है ना सूरज बाहुबली रश्मि शरद पल्लवी अमिया सिद्धि शिवी हंसा दिप, आ, ओके 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 दीपेंद्र प्रिया रुचि शिवी नेहा ओके पल्लवी दामिनी वेरी गुड लीजा वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल तो बेटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्केलेरोशियम स्केलेरोम और इसको पहली बार बंगाल में रिपोर्ट किया गया था 1911 में इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है तो ये जो येलोइंग आप देख रहे हो ना बच्चा बीच बीच में और ब्लैक भी हो रखा है नीचे की तरफ से तो इसको क्या बोला जाता है स्टेम रॉट इसमें क्या होता है पूरा तना चावल का खराब हो जाता है और बच्चा लोग इसी को स्टेम रॉट बोला जाता है मेरे बच्चों ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर विल्ट ऑफ गोवा रोगजनक के कारण होता है फटाफट से बता दो तो बेटा राइट आंसर क्या होगा कलेटोटाइकम होगा फिजेरियम होगा हो हो जाएगा फाइलो, आ, फाइलो हो जाएगा फाइलो फाइलोस्टिक्टा मैम आपका चश्मा गया अरे यार वो मेरी डेस्क पर ही छूट गया मैं भूल गई तुम लोगों ने याद दिला दिया मुझे हाँ कल से मैं लेकर के आऊंगी आज मैं भूल गई गलती से बंगाल नाइनटीन हंड्रेड इलेवन हाँ जी बिल्कुल क्लास में याद होगा और नहीं याद है तो एक बार क्लास जाकर के देखना ठीक है आ, योगेंद्र मौर्य ओके शरद पल्लवी रश्मि दामिनी सिद्धि शिवी सूरज ओके आ, योगेंद्र गीता खुशी शिवी नेहा प्रिया ओके दामिनी अमन न, हंसा संध्या दीपेंद्र वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्यूजेरियम भाई बहुत ईजी आंसर है इसका विल्ट ऑफ गोआवा गोआवा का विल्ट पूछ रहा है और हमारे पास फ्यूजेरियम है तो वही नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल मतलब आंसर हमारे सामने ही रखा है चलो आगे चलते हैं हर्ट रॉट ऑफ शुगर बीट शुगर बीट का जो हर रॉट का इन्फेक्शन है ये कौन कॉज करता है मैग्नीज डेफिशिएंसी की वजह से होगा आ, बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से होगा कैल्शियम की वजह से या नन ऑफ दि तो राइट आंसर क्या होगा फटाक से मुझे बता दो हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिजेरियम है तो पक्का यार हमें तो आंखें बंद करके फिजेरियम आंसर करना है ना चलो फटाफट से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बता दो बेटा हर्ट रॉट ऑफ शुगर की शुगर बीट चुकंदर का हृदय सड़न निम्नलिखित में से किस प्रकार के किस के कारण होता है फटाफट से बता दो बेटा बोरोन डेफिशियंसी मेरे ज्यादातर बच्चे बता रहे बोरोन शिवी दामिनी संध्या रश्मि शरद साक्षी योगेंद्र प्रिया अनुष्का ओके दामिनी संध्या पुलकित आ, ओके 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 प्रशांता दीपेंद्र अमन तान्या वेरी गुड वेरी गुड लीजा नेहा वेरी गुड बेटा वेरी गुड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली आपका बोरोन क्योंकि ज्यादातर चीज़ें बोरोन की डेफिशिएंसी की की वजह से ही होती हैं ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं आ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका टुंडू डिजीज अकज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप टुंडू रोग कौन सी फसल में होता है वीट यानी कि धान में चावल में या फिर सॉरी वीट यानी कि आपके गेहूं में राइस यानी कि आपके चावल में शुगर केन यानी कि आपके गन्ने में और सिट्रस यानी कि आपके नींबू में बेटा ये आपको आकाश सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे फ्रूट साइंस वही पढ़ाते हैं ना हॉर्टिकल्चर ठीक है चलो आगे चलते हैं आ, ओके पुलकित मलिक का आंसर आया है बी ठीक है आशुतोष का भी आंसर आया है बी ओके रश्मि वीट ओके योगेंद्र दामिनी साक्षी नेहा रश्मि अनुषा शरद सूरज शिवी रुचि रोशनी योगेंद्र सिद्धि साक्षी दीपेंद्र ओके प्रशांता गीता वेरी गुड वेरी गुड हंसा तान्या अमन वेरी गुड तो ज़्यादातर बच्चे आंसर करें वीट बिल्कुल बेटा वीट आंसर हो जाएगा इसको येलो ईयर रॉट ऑफ वीट भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बेटा येलो ईयर रॉट ऑफ वीट भी बोला जाता है और इसका पैथोजन है क्या है इसका पैथोजन है रेथाई बैक्टर क्या है बेटा रेथाई बैक्टर इसका पैथोजन है तो ये मैंने आप लोगों को बताया भी था ध्यान रखा करो यार डिजीज के नाम मैंने आपको बताया था ईयर कॉकल भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चा ईयर कॉकल भी इसको बोला जाता

अरे एकांश लाइफ ब्लॉग्स क्या हुआ बेटा आप सैड क्यों हो अगर आप डेली क्लास में आओगे तो आपके आंसर सही होंगे डोंट वरी ठीक है अगर आप क्लास में डेली आओगे तो आपके आंसर सही होंगे ठीक है एक दिन अगर आंसर गलत हो गए तो टेंशन नहीं लेना है रेगुलर दो से तीन चुपचाप से जुनून क्लास में आ जाना है ताकि आपके कंसेप्ट दोबारा गलत नहीं हो रिविजन क्लास मतलब टेस्ट है ना चलो और उसमें एनालाइज भी किया करो कि तुम्हारा फर्स्ट कौन आया फर्स्ट कौन आया आप फर्स्ट आए सेकेंड आए क्या है आपके कितने गलत थे ठीक है चलो अटिकम हम्म दामिनी पटेल का आंसर आया है ए अनुषा अग्निहोत्री ए ठीक है आ, योगेंद्र संध्या ए बी सी अच्छा शरद अच्छा आज तुम लोग नहीं फंसे शाबाश आज तुम लोग नहीं फंसे ओके शिवी संध्या योगेंद्र बाहुबली शिवी आ, अमन शरद ओके ओके आ, एकांश हाँ तो मैम हिंदी मैम ये प्रॉब्लम होती है कोई बात नहीं बेटा मुंह धो के बैठ जाया करो चलो बी बी मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों ने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना राइजोपस रॉट भी आपका पपाया का इन्फेक्शन होता है ना चालाक ब्रोह बिल्कुल और एंथरेक्नोज भी आपका पपाया का मेजर इंफेक्शन होता है बोट्रायडिडिया भी होता है लेकिन

हाँ बताओ बेटा ओके okay, रश्मि का आंसर आया है बोरोन ओके okay, बाहुबली का आंसर आया है बोरोन शिवी पाठक का भी आंसर आया है बी ओके okay, साक्षी का आंसर आया है कैल्शियम योगेंद्र का आंसर आया है बोरोन ओके okay, हाँ शिवी आपका आंसर भी मैंने देख लिया दामिनी का आंसर आया है बोरोन ओके okay, रुचि अनुषा शरद सूरज हंसा दामिनी आशुतोष प्रशांता प्रिया ओके 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 आकाश पल्लवी शरद तानिया लीजा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो मेरे ज़्यादातर बच्चे रा, रा, राइट आंसर हैं। बोरोन और बिल्कुल आंसर हो जाएगा बोरोन चलो तो व्हाइट पेनिकल में क्या होता है बेटा जो टिप वाला जो पोर्शन है ये ये टिप वाला जो पोर्शन होता है बेटा ये धीरे धीरे क्या होता है येलोइश इसका कलर जो होता है वो फेड होने लग जाता है ऊपर से ठीक है खराब होने लग जाता है चलो आगे चलते हैं ब्लैक रॉट इन कॉफी कॉज बाई विच वन ऑफ फॉलोइंग भाई ये सड़न रोग कॉफी में काला सड़न रोग किसकी कमी के कारण होता है हाँ खैरा डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी से होती है बिल्कुल सही बताया है चलो अब ये बताओ कॉफी में सडन रोग किसके द्वारा होता है कॉटिसियम कैप्नोडियम हिमेलिया या फिर टफरीना जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हम्म देर नहीं करनी है यार फटाफट से बता दो फटाफट से बता दो हाँ शाबाश शाबाश ओके okay. और आज ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि आज लंच करके कौन आया है और कौन नहीं आया है आज मेरा दोस्त कौन है जो लंच करके नहीं आया है बताओ अनुषा का आंसर आया है ए ठीक है शाबाश दामिनी रश्मि प्रिया संध्या सिद्धि खुशी योगेंद्र ओके शिवी रुचि दामिनी बाहुबली आकाश Uh, साक्षी प्रशांता शिवी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ दीपेंद्र शुक्ला निखिल गीता ओके वेरी गुड तो ज़्यादातर बच्चे ए आंसर करें बिल्कुल सही बेटा कॉटेसियम हो जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं कट्टे डिजीज अकाज इन विच ऑफ दी फॉलोइंग ये कट्टे डिजीज़ कौन सी क्रॉप में होती है ये आपको बताना है कार्डमम में होगी टी में होगी या फिर टर्मेरिक में होगी अच्छा दो बार कर लिया नहीं भाई अच्छा दो बार करके आई है ओके अच्छा 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 तानिया का आंसर आया है ए ठीक है हा फ्रूट ड्रॉपिंग बोरून ओके यस सूरज शेख का भी आंसर आया है ए ठीक है तानिया का भी आंसर आया है ए आशीष का भी आंसर आया है ए शाबाश फटाफट से आंसर कर दो मेरे बच्चों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर काटे डिजीज अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरे यार आप इतना लेट लंच करते हो अरे यार एक्चुअली क्या होता है ना कि फिर अभी तो बजे आप की क्लास का टाइम हो जाता है और आपकी क्लास में अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने होते हैं ना इसलिए मैं सोचती हूँ फिर बाद में फिर फ्री होकर के तभी मैं लंच करूंगी है ना इससे पहले अच्छा है कि पूरा अच्छे से बच्चों को अच्छा कॉन्टेंट मिले कार्डमम शाबाश, शाबाश शाबाश क्वीन ऑफ स्पाइस स्मॉल कार्डम शाबाश तो मेरे बच्चों को क्वेश्चन याद हो रहे हैं ना आंसर याद हो रहे हैं कार्डममम कॉज बाई वायरस चलो शाबाशी बहुत अच्छी बात है तो इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से लाइंस दिखाई देती हैं जो कि क्या करती है इसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देती हैं चलो बच्चा आगे चलते हैं मास्टर एंड स्लेव इज भाई मालिक और गुलाम कौन है इनमें से जल्दी बता दो बेटा राइट आंसर क्या होगा लाइसोजेनिक लाइटिक फ्रेगमेंट और बडिंग मैम आप कहाँ से लाइव हो मैं गुड़गांव से गुड़गांव में आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऑफिस मिलेगा और उसी में एग्रीकल्चर अड्डा का जो आ, स्टूडियो है वहीं से मैं क्लास ले रही हूँ आप लोग है ना अच्छा मैंने भी नहीं किया लंच अच्छा आज चलो योगेंद्र ने लंच नहीं किया आज योगेंद्र मेरी पार्टी में है ना चलो ब्लैक पेपर एंथरिक नो येफिनेटली लाइटिक साइकिल रश्मि का आंसर आया है वेरी गुड रुचि का आंसर आया है बी ओके सिद्धि का भी आंसर आया है बी शिवी शरद संध्या आशीष गीता बाहुबली uh, शिवी अनुषा प्रिया आकाश शरद खुशी दीपेंद्र ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैम क्या uh, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन से ले हाँ बेटा मैं स्पेसिफिक हर एक से ले रही हूँ हर एक से लगभग मैं कवर कर रही हूँ ठीक है আমিয়া তানিয়া ওকে খুশি लीजा योगेंद्र सूरज प्रशांता ओके 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 शाबाश मेरे बच्चों लाइटिक साइकिल खतरनाक होता है यानी कि क्योंकि लाइटिक साइकिल लाइटिक साइकिल जो है बेसिकली वो मालिक की तरह काम क्यों करता है क्योंकि इसमें वायरस बॉडी में जाता है वायरस बॉडी में जाता है और जाने के बाद वो क्या करता है बेटा इन्फेक्शन कर लेता है क्या करता है इन्फेक्शन कॉज करता है होस्ट की बॉडी से सारा न्यूट्रिशन लेता है और उसको ख़त्म कर देता है और होस्ट बेचारा उसी की सर्विंग करते रहता है उसी की सेवा करते रहता है उसी को न्यूट्री न्यूट्रिशन लेता रह, देता रहता है ले भैया तू भी, भी न्यूट्रिशन ले ले भैया तू भी, भी न्यूट्रिशन ले है ना तो इसलिए एक मालिक हो गया एक नौकर हो गया है ना गुलाम हो गया चलो आगे चलते हैं पोलू डिजीज अकाज इन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग क्रॉप मेरे बच्चों पोलू डिजीज कौन सी क्रॉप से कौन सी क्रॉप से होती सॉरी पोलू डिजीज जो है कौन सी क्रॉप में होती है ब्लैक पेपर फाइटोफोरा होगी या फिर होगी पोलो डि और एक बात बताऊँ मुझे अभी तक जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चों ने लाइक नहीं किया बहुत सारे बच्चों ने तो कर दिया लेकिन बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन को लाइक भी करते रहो बच्चों ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर शाप बाश अखिल निखिल दामिनी अनुषा पल्लवी शिवी योगेंद्र सिद्धि अच्छा तीन चार दिन में गुड़गा और चलो वेरी गुड दीपेंद्र मोस्ट वेलकम बेटा आकाश ज्योति सिद्धि गीता रुचि दामिनी प्रशांता आशीष लीजा वेरी गुड पल्लवी शिवी तान्या प्रिया वेरी गुड वेरी गुड ज्योति सोलंकी भी आ गए हैं अच्छा पवन सोलंकी भी आ गए वेरी गुड शरद हाँ शाबा शाबास्त शाबा, तान्या वेरी गुड वेरी गुड बेटा राइट आंसर हो जाएगा इसका पोलू डिजीज जो है बेटा कोलेटोराइकम कॉज करता है और ये इन्फेक्शन जो है बेसिकली ये हमें पेपर में दिखाई देता है ठीक है और इस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि इसमें बाकी सारी क्या थी बाकी सारे पैथोजेंस थे ठीक है तो चलो इसको एंथ्रेक्नोज भी बोला जाता है याद रखनी ये बात ठीक है तो इसमें आपका एंथ्रेक्नोज भी आपका आंसर में है ठीक है चलो आगे चलते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन है तो स्केली बर्ड डिजीज कॉज इन वन ऑफ फॉलोइंग द्रॉप बाई दी बर्ड रोग नि निम्नलिखित में से कौन सी फसल में अः होता है और इसका रोगजनक कारक क्या है मैंगो सिट्रस स्टिलागो बनाना वायरस और सिट्रस वायरॉइड फटाफट से बताओ राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दो तो बेटा उत्तराखंड से ही है ठीक है उत्तराखंड से ही है चलो अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच यार तुम लोग का प्यार देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना चलो मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई चलो योगेंद्र मौर्य डी आपने इतना बोल दिया वही बहुत है बेटा मेरे लिए ओके रुचि का आंसर आया है डी ठीक है अखिल शिवी अनुषा रश्मि शिवी सिद्धि दामिनी रविकेश शरद सूरज तान्या रुचि ओके ओके प्रिया तो बच्चे कह रहे हैं सिट्रस ओके दामिनी ज्योति तान्या खुशी वेरी गुड वेरी गुड बेटा तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डेफिनेटली सिट्रस और विराइड ठीक है तो इसको मैंने आप लोगों को बताया था इसको एक्सोकॉर्टिस भी बोला जाता है मेरे बच्चों क्या बोलते हैं इसे एक्सोकॉर्टिस भी बोलते हैं और इसको रंगपुर लाइम भी हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेचारो हाँ साक्षी आशीष आकाश वेरी गुड बेटा ये रंगपुर लाइम का इन्फेक्शन है ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम तो ये बार्क में होता है बताया था आप लोगों को फोसिस ब्लाइट इन्फॉर्मोसिस ब्लाइट किसमें होता है बेटा ब्रिंजल बाजरा, शुगर केन और मेज फटाफट से बता दो मेरे बच्चे राइट आंसर क्या होगा हम्म अच्छा थैंक यू सो मच आप लोग भी बहुत अच्छे हो यार चलो रंगपुर लाइम हाँ बिल्कुल रंगपुर लाइम है यार बताया था ना अब तो याद होने लगी लग होंगी डिजीजेस रिवीजन वाली क्लास में अच्छे से रिवाइज भी करो है ना और लाइक कौन जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक भी करो सेशन को ठीक है मैंगो बिल्कुल अब तो रट, न, अच्छे से रटने लगे ना डिजीज के कॉज ऑर्गेनिज्म डेली पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा डेली पढ़ने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है योगेंद्र सोलंकी पवन सिद्धि शरद पल्लवी योगेंद्र संध्या साक्षी ज्योति आशीष आयुष नेहा दामिनी अखिल प्रिया ज्योति सिद्धि वेरी गुड दीपेंद्र लीजा निखिल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइट ब्रिंजल में होता है कैसे होता है ये यह आप यहाँ पर देख सकते हो बैंगन जो है वो खराब हो जाता है हाँ आकाश शैलेंद्र बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है बेटा चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विल्ट ऑफ कॉज गोआवाई विच पैथोजन भाई विल्ट ऑफ गोआवा कौन सा पैथोजन कॉज करेगा फ्यूजेरियम कलेटोडम सिफेलोरोक्टा जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ बच्चा राइट आंसर क्या होगा विल्ट ऑफ गोवाज बाई विच वन ऑफ़ पैथोजन कली किया ना जल्दी बताओ मुझे राइट आंसर क्या होगा हाँ सोलोन हाँ, मेलेग्न बिल्कुल बिल्कुल बेटा अब इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा फटाफट से बताओ हाँ सुनैना यादव बिल्कुल बेटा ब्रिंजल ही होगा अब इसका बताइए सूरज बाहुबली सिद्धि योगेंद्र शिवी रुचि रश्मि हर्षित पल्लवी वेरी गुड गीता दीपेंद्र शरद साक्षी वेरी गुड आयुष ज्योति हाँ शाबाश शाबाश तान्या पल्लवी वेरी गुड साक्षी वेरी गुड बेटा वेरी गुड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजेरियम ऑक्सीपोरम चलो आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक मिनट यार ये इसका बहुत सारे आगे हैं ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी आप लोगों को याद होंगी सारे के सारे विल्ट ऑफ गोवाज बाई विच वन ऑफ पैथोजन गन्ने का नेत्र धब्बा किस किस निम्नलिखित में से किस रोग जनक के कारण होता है बाइपोलोरिसगो शुगर केन और कुलटेड आई स्पॉट ऑफ शुगर केन कौन कॉज करता है जल्दी बताओ बेटा आई स्पॉट ऑफ शुगर केन के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा मुझे फटाफट से बता दो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा हाँ रविकेश का आंसर आया है बी ठीक है शाबाश योगेंद्र का आंस आ, अच्छा योगेंद्र आंसर नहीं किया जी मैम हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अब बताओ बेटा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा अभी ये एक दो दिन पहले ही करवाए हैं आंसर याद होगा अभी है ना सी 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 ज्यादातर बच्चे हैं सी आंसर होगा ओके सिलांकी पर उनका आंसर आया ए साक्षी का डी योगेंद्र का सी आया है ओके दीपेंद्र खुशी आकाश दामिनी साक्षी पुलकित क्वेश्चन uh, नहीं बेटा क्वेश्चन हार्ड नहीं है क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ लेकिन आई थिंक आपने वो वाला क्लास नहीं लिया नहीं लिया होगा जो इससे पहले मैंने लिया है ठीक है एक बार वो वाला क्लास देखो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में मैंने आंसर्स बताए हैं तो आप आराम से आंसर कर पाओगे ठीक है हाँ लीजा साक्षी शिवी प्रिया वेरी गुड ज्योति रश्मि शरद वेरी गुड तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा बायपोलोरिस सेकेराइ स्टेलागोसिटामिनिया ये स्मट का इन्फेक्शन कॉज करता है भाई शुगर के मोजैक मोजैक का इन्फेक्शन कॉज करेगा और कलेटोटाइकम

हाँ अब आज बेटा आप ये एनालाइज कर लो कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हैं है। मैम ने पूरा हफ्ते मुझे कितने क्वेश्चन करवाए हैं और मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं तो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं और फिर एग्जाम में गलत नहीं करने शाबास पवन अनुषा रुचि रश्मि सिवी आ, योगेंद्र आशीष निखिल पल्लवी ज्योति अनुषा शरद आकाश दामिनी वेरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लीजा सिद्धि संध्या वेरी गुड बेटा राइट आंसर हो जाएगा राइस राइस टंगरो वायरस है ना चलो आगे चलते हैं पिंक डिजीज इन एप्पल कॉज बाय विच वन ऑफ दी फॉलोइंग एप्पल में पिंक डिजीज कौन कॉज करता है बेटा कॉटिसियम करेगा या फिर आपका सिल्वर लीफ जिब्रेला फ्यूजिकोरा या पक्सिनिया फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा हाँ शाबाश वेरी गुड मेज हाँ टंगरो बिल्कुल बिल्कुल जी एल एच शाबाश ग्रीन लीफ फॉपर वेरी गुड बताया था नहीं उस दिन भी बताया था मैंने हाँ वेरी गुड चलो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बच्चा लो क्या होगा फटाफट से बता दो मेरे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का पिंक डिजीज इन एप्पल एप्पल में पिंक डिजीज कौन कॉज करता है बच्चों हाँ दीपेंद्र ने आंसर किया है बी ओके खुशी का भी आंसर आया है बी प्रिया का भी आंसर आया है ए e. सूरज शेख बोनी झांसी भी आ गए हैं अरे वाह पुलकित मलिक का आंसर आया है ए e. ठीक है बोनी झांसी ने सी आंसर किया अनुषा का भी आंसर आया है बी दामिनी का ए आया शरद ए e. ठीक है आकाश मौर्य रुचि दामिनी अखिले योगेंद्र सिद्धि दामिनी लीजा शिवी प्रिया पंकज ओके, ओके 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 पल्लवी वेरी गुड रविकेश वेरी गुड बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टेसिलियम चलो आगे चलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ टिश्यूज कॉमन इन सम ट्रीज एंड श्रब्स दिस में रिजल्ट फ्रॉम द विंटर इंजरी प्रीवियस फिजिकल इंजरी एंड और डिफरेंट ग्रोथ रेट्स इन द एडजॉइनिंग टिश्यूज तो आपको ये बताना है कि जनरली टिश्यूज कुछ प्लांट्स में क्या होता है स्प्लिटिंग हो जाती है ठीक है कुछ प्लांट्स में स्प्लिटिंग हो जाती है उनकी जो टिश्यूज़ हैं वो फट जाते हैं टूट जाते हैं ये डिफरेंट टाइप के इंजरीज की वजह से होता है तो ये इस इंजरी को क्या बोला जाता है ये आपको बताना है क्रैकिंग होगा गॉल होगा क्लोरोसिस होगा नैन ऑफ दिस होगा तो मेरे बच्चे जल्दी से राइट आंसर बता दो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा शाबाश रश्मि योगेंद्र ज्योति दामिनी शिवी रश्मि बाहुबली पल्लवी शरद सूरज प्रिया रुचि दामिनी बोनी झांसी पवन सिद्धि Uh, श्रीवी पाठक ओके okay. संध्या वेरी गुड दीपेंद्र शाबाश शाबाश बच्चों वेरी गुड गीता पंकज वेरी गुड तो ज्यादातर बच्चे आंसर करें क्रैकिंग जो कि बिल्कुल सही है चलो इस तरीके से क्रैकिंग होती है ये मैंने आपको बताया था चलो आगे चलते हैं लॉस ऑफ लीव्स कॉज बाय द इंसेक्ट पैथोजन फंजा एंड बैक्टीरिया एंड एबायोटिक इज तो बेटा जनरली जो लॉस ऑफ लीव्स होता है जिसमें पत्तियां

पूरे हफ्ते जो हमने पढ़ा वो फटाफट हम रिवाइज करें तो चलो बताओ जल्दी से योगेंद्र मौर्य का आंसर आया है डी सूरज शेख दामिनी अनुषा गीता आ, पवन शिवी दामिनी ओके योगेंद्र पुलकित ओक, बोनी झांसी शरद आकाश शिवी प्रिया आयुष सिद्धि वेरी गुड वेरी गुड साक्षी लीजा रविकेश दामिनी शाबाश बेटा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफॉलिएशन भाई फॉलिएज खत्म हो जाता है ना तो इसको बोला जाता है डिफॉलिएशन चलो आगे चलते हैं ये सारे डिटेल में बताए थे मैंने आप लोगों को है ना तो आ, ओके अच्छा आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं तो बच्चों आज हम लोगों ने किया रिविजन जिसमें मैंने अलग अलग क्लास के अलग अलग क्वेश्चन रखे थे जो कि आपको इस वीक मैंने पढ़ाए थे तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे से आप प्लांट पैथोलॉजी को कवर कर रहे होंगे है ना मैं आते ही कर देती हूँ बहुत अच्छे बच्चे हो आप बेटा ठीक है तो बच्चों मल्टीपल लाइक ने एक ही बार करना है ठीक है एक ही बार लाइक करना है दोबारा लाइक करोगे तो वो हट जाएगा ठीक है इसलिए दोबारा नहीं करना ओके okay. तो बच्चा एट द एंड ऑफ दिस सेशन अगर यहाँ पर हम एमसीक्यूज सी कर रहे हैं अगर आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो बेटा थियोरेटिकल पोर्शन को तो आप इस जुनून बैच में इनरोल कर सकते हो इस जुनून बैच में इरोल करने के लिए बेटा आपको एक कूपन कोड लगाना है वाई और एक चीज़ और मंथन आने वाली है कल सुधांशु सर की ठीक 11 बजे तो बेटा आपको मंथन क्लास में भी जुड़ना है सारे बच्चों को ठीक है सब समझ में आ रहा है मैम चलो वेरी गुड तो बेटा कल की मंथन क्लास जो सुधांशु सर की रहेगी उसमें भी आपको आना है ठीक ग्यारह बजे उसमें सर अलाइड साइंस की मैराथन लेने वाले हैं ठीक है थीके? तो बेटा ये जुनून बैच है इसमें आपको प्लांट पैथोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगा तो प्लांट पैथोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री को अगर आप बेसिक से पूरा डिटेल तक पढ़ना चाहते हो बेटा तो इसमें आप पढ़ सकते हो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इसी के साथ साथ बच्चों अगर आपको आई बी के बैच में या किसी भी बैच में इनरोल करना है जिस एक कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है बेटा आपको की वेबसाइट पर जाना है जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे आपको वेबसाइट पर क्लिक करना है मैम मजा आ गया चलो मुझे भी बहुत मजा आ गया तो बेटा यहां पर आपको जाना है डायरेक्टली ठीक है और ये आपका वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म आएगा लार्जेस्ट वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म प्लेट इस पर क्लिक करोगे क्लिक करोगे ये आ जाएगा आपके पास ऑल कोर्सेज ऑल कोर्सेज आ गया ऑल कोर्सेज में जाओगे एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर पे गए तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो एग्रीकल्चर फाउंडेशन पे चले जाओगे यहाँ पर आपको ये मेरा जुनून बैच मिल जाएगा जिसमें एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट पैथोलॉजी लिखा हुआ है ठीक है इसका एक्चुअल प्राइस तो सात सौ निन्यानबे है लेकिन इसमें आग, आप अगर कूपन कोड लगाओगे वाई फोर फोर सेवन ए वाई चार सौ ए तो बेटा इसमें आपको एटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और सेवन थर्टी नाइन में ये बैच आपको मिल जाएगा सॉरी एक्चुअली इसका प्राइस टू फाइव फाइव नाइन है दो हज़ार सौ साठ रुपए ठीक है ठीके? लेकिन ये आपको छह सौ उनचालीस रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो ठीक है और इसी के साथ साथ बेटा अगर आप आई बी या किसी बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप बहुत सारे बैचेस में इनरोल नहीं करना चाहते हो बेटा तो आपको एग्रीकल्चर पे जाकर डायरेक्टली जाना है एग्रीकल्चर महापैक पे ये रहा आपका एग्रीकल्चर का महापैक एग्रीकल्चर महापैक पर जैसे ही आप जाओगे तो इसकी थ्री मंथ सिक्स मंथ और ट्वेल्व मंथ तीनों की अलग अलग वैलिडिटी होती है ठीक है इन इन इसमें आपको लगता

जैसे इसे लगाओगे देखो सिक्स थ्री डबल नाइन में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा और ट्वेल्व मंथ के लिए मिल जाएगा ठीक है तो इसमें बेटा आपके बहुत सारे एग्जाम कवर होते हैं आई बी पी एस एस ओ एफ ओ कवर होता है इसमें आपका एफ एस एस आई जिसमें आप एलिजिबल होते हो वो कवर होता है इसके अलावा आपके बाकी एग्जाम्स भी बहुत सारे इसमें कवर होते हैं ठीक है और इसके अलावा अगर आपका स्पेसिफिकली बेटा आई बी पी एस एस ओ चाहिए तो आप आई बी पी एस एस ओ में जा सकते हो डायरेक्टली ये रहा आपका आई बी पी एस एस ओ का और आई बी पी एस एस ओ में कंप्लीट फाउंडेशन का बैच ही आ जाएगा जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों मिलेगा तो बेटा प्री और मेंस जब जब तक आप प्री की सीढ़ी पार नहीं करोगे मेंस में नहीं पहुंचोगे है ना तो इसमें बेटा आप इनरोल कर सकते हो बाई नाउ पर जाना है सिंपली वाई फोर फोर सेवन ए कूपन कोड अप्लाई करना है और इसमें आपको थर्टी थ्री हंड्रेड में ये कंप्लीट बैच अवेलेबल हो जाएगा विद कंप्लीट गाइडेंस आपकी फैकल्टीज आपको गाइड भी करेंगी किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी डाउट है उसके रिगार्डिंग आपके फैकल्टीज आपको गाइड भी करते रहेंगे तो बेटा आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के साथ तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अपना ख्याल रखिएगा बाय थैंक यू हैव हाँ अ नाइस डे